हेलो, विभूति नारायण मिश्रा स्पीकिंग। भैया पहचाना मुझे? मैं टिमी टिमी कांडिया, आपका छोटा भाई, आपकी मौसी का बेटा। ओ माय गॉड, तू बोल रहा है? आई कांट बिलीव दिस, आई रियली कांट बिलीव दिस। भैया एक ना एक दिन अपनों की याद तो आती है, और वो जो कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप थोड़ी हैं। मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना कितना खुश महसूस कर रहा हूं। I'm feeling so good, you know? इंडियन क्रिकेट स्टार, मेरा भाई टिमी कांडिया मुझे फोन कर रहा। I love you man. भैया मैं दुनिया के लिए टिमी हूँ, मगर आपके लिए मैं वही टिमी कांडिया हूँ जो बिना हुक वाली पैंट पहन के घुमा करता था, और आप अक्सर उस पैंट को खींच दिया करते थे। तेरे को वो सब याद है? भैया मुझे तो ये भी याद है, एक बार अपने लाला किशोर लाल की बीवी को भी। बेटा पुरानी बातें भूल जा और आगे बढ़। और बता क्या हालचाल? भैया मैच खेलने कानपुर आ रहा हूँ। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। भैया मिलोगे ना? मिलोगे मतलब तू मेरे घर में आकर रहेगा? यू विल स्टे विद मी। आई लव यू भैया। आई लव यू टू। टेक केयर। कानपुर, हियर आई कम। देखो तुम अभी जिससे बात कर रहे थे, मतलब मैंने जो सुना टिमी कांडिया, तुम उसी से बात कर रहे थे? ये टिमी जी, तुम इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन टिमी कांडिया से बात कर रहे थे? या He is my first cousin. He's my cousin brother. Nah, I can't believe this. तुम believe करो या ना करो, सच्चाई तो यही है कि टिमी मेरा first cousin है, मेरा He's almost like a blood brother to me. Seriously, तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा cousin है टिमी कांडिया, तुम मुझे आज बता रहे हो? तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अरे मुझे क्या सपना आ रहा है कि तुम्हारे कौन से रिश्तेदार कहाँ है इस दुनिया में, और तुम तो मुझे बताते ही नहीं अपने रिश्तेदारों के बारे में। बताओ मुझे आज पता चल रहा है कि टिमी कांडिया तुम्हारा कजन है। तुमने भी कहाँ बताया मुझे अपने रिश्तेदारों के बारे में कि कोई कहाँ है? अरे मेरे इतने रिश्तेदार है ही गाँव, जितने हैं वो तो सब अब्रॉड है ना। यू डोंट वरी, टिमी कांडिया आएगा हमारे घर में ठहरेगा और मैं तुम्हें अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करूंगा उसके साथ, बस। ओह माय गॉड, रियली? मुझे कितनी प्रिपरेशन करनी होगी, ही इज अ स्टार। या कोई तो अच्छा है तुम्हारे खानदान में। या बेबी, हियर इज अ कॉफी। थैंक यू। आई मेरे यार, ये इंडिया की इकोनॉमी आजकल काफी ऊंची जा रही है। आपकी लंदन की इकोनॉमी कैसी चल रही है चाचा जी? नहीं, लंदन की इकोनॉमी तो काफी डाउन जा रही है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में ना इंडिया इज द किंग। ये कुंडली मार के बैठने का इरादा है इनका क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ कि जरा लंदन घूम के आइए कुछ दिनों के लिए। अभी एक बात बता यार, तू मुझे लंदन भेजने के चक्कर में क्यों लगा रहता है हर वक्त? टिमी आ रहा है यहाँ पे मैच खेलने के लिए कानपुर। यार एक बात बता, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? मतलब मुझे देख करके क्या वो मैच खेलना छोड़ देगा? मैच खेलना नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको देख के अपसेट हो जाएगा वो। क्यों अपसेट हो जाएगा? उसकी चाचा जी से क्या दुश्मनी है? इन्हीं से दुश्मनी है उसकी। मैंने कौन सी उसकी बकरी दबोच ली भाई? अगर आपने उसकी बकरी दबोची होती तो ठीक था, लेकिन आपने उसकी अम्मा को दबोचा, वो भी पी के। What? जी, ये इनके माथे पे कलंक है परमानेंट इस बात का। मेरे माथे पे कोई कलंक नहीं है, हाँ लेकिन बहू की फेंकी हुई स्याही के दाग जरूर है। चाच, तो कह दीजिए कि ये झूठ है जो मैं कह रहा हूँ। कह दीजिए झूठ है क्या कि आपने मेरी मासी को नहीं दबोचा था? मैंने तेरी मौसी को नहीं दबोचा था, ये झूठ। तेरी मौसी ने मुझे दबोचा था यार। ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ 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 बोल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तेरी मौसी चलती पुर्जा थी। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हैं ये दबोचना और चलती पुर्जा? चाचा जी आपको जरा सा भी लिहाज है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है? देख बेटा एक बार बताऊं, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा था भाई, मटर कश्ती हुआ करती थी। सोचा कि फसलें कुल तैयार है, लेकिन पास जाके मसक के देखा तो ककड़ों कच्चे थे। प्लीज फॉर गॉड सेक्स निकल लीजिए यहाँ से अपने ककरौंदे लेके। चलिए कहा निकल लू, तू क्यों ऐसे, तू ऐसे इस तरीके से क्या बात कर रहा है यार मुझसे? चाच यू आर अ सिक मैन, आपने गलती पे परेशान पशमा नहीं है उसकी बात भी ऐसे बकवास कर रहे हैं। की बात मत कर, बेकार की बात मैं कर रहा हूँ यार, तू मौसी के साथ अपने तरफ से रहा। तू शट अप, बेबू बेबू काम डाउन। और चाचा जी प्लीज
आप ना टिमी से थोड़ा दूर ही रहिएगा, प्लीज कीप अ लो प्रोफाइल, ओके? ओके, मैं ककरौंदे खरीद के लाता हूँ। भाभी जी, हमें बड़ी खुशी है कि मॉडर्न कॉलोनी में भी सेलिब्रिटी पाए जाते हैं। अबे लेकिन ये तेरी कॉलोनी का थोड़ा ही है भाई, ये तो मुरादाबाद का है, तू इतना खुश क्यों हो रहा है ना मऊ? अरे आपको अच्छी तरह पता है कि वो विभू की मौसी का लड़का है। हाँ, वो तो पता है भाई, इसकी माँ जो है बड़ी हसीन थी। सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में या और भी कुछ है? नहीं, बहुत अच्छी थी, बहुत मजाकिया थी, बहुत हसीन भी थी। अक्सर ना वो मेरे बिस्तर के नीचे बबूल के मोटे मोटे कांटे रख दिया करती थी। वो मुझसे कहती थी, देवू तू बहुत यार कातिल है। हाय दिया, आपका और टिमी कांडिया की मम्मी का रिलेशन तो बहुत ही रंगीला और मजेदार था। भाई मजेदार तो था, लेकिन क्या है कि लोग बहुत गलत समझते थे। लोग सोचते थे कि हमारे बीच कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन वी वर जस्ट फ्रेंड्स। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त ना ही हो सकते। टिमी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाकी सारे लोगों को है खाज। टिमी भैया जिंदाबाद। She's the most lovable person in this whole mohalla, and her name is Anguri Bhabhi. नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ नमस्ते टिमी जी, सच्ची आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप भी मैच देखती हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या लेने देना मैच वैच से, मैं किसी एड में देखा होगा इसलिए बोल रही है ये। But she knows nothing about cricket. गलत पकड़े भरभूति जी, कहा है ना कि हम मैच भी देखते हैं और टिमी जी के बहुत ही बड़े फैन और फॉलोअर भी हैं, और हमको उनका एक एक ठो रिकॉर्ड भी पता है। 280 मैच, 10,000 रन, 45 शतक, 60 अर्धशतक, 200 छक्के, हाँ, और 300 चौके, और टोटल 165 इनिंग्स में 55 बार नॉट आउट। वनडे का हाईएस्ट स्कोर 270, T20 का हाईएस्ट स्कोर 175। हाँ, वो कहे कि टेस्ट मैच में उतना अच्छा ना ही खेल पाए, उतना अच्छा प्रदर्शन ना ही था। वो कहे टिमी जी आपके एल्बो में चोट लगा था ना, हाँ, तो आपका कलाई जाम हो गया था, और डॉक्टर साहब इनको बोले रहे कि अपनी कलाई का ज्यादा इस्तेमाल बैटिंग के लिए ना ही कीजिए, नहीं तो बहुत गंभीर समस्या हो सकता है। इसके लिए कहा है कि टिमी जी टेस्ट मैच से संन्यास ले लिए। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। वाओ, I am proud of you बेटा। इस बहू को जो है अपने घर का हिसाब किताब पता ना हो, लेकिन तेरे मैचेस का सारा रिकॉर्ड इसे याद है। I am proud of you, my son. I'm not your son. Stay away. भैया, जरा आपसे कुछ बात करनी है। ये आदमी यहीं रहता है? हाँ, ये हमारे साथ रहता है, हम पे लदा हुआ है सालों से। आप जानते ना कि क्या हुआ था आज से 20 साल पहले? अरे टिमिया, बायगॉन इज बायगॉन, जो हो गया उसे भूल जाना यार, कम ऑन। ये भूल जाने वाली बात नहीं है भैया, इसने मेरी माँ को दबोचा था। He was drunk. ये होता है। टिमिया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है यार, वो पशेमां है, और ऐसे खुशी के मौके पे क्यों यार टेंशन तड़का लगा रहा है यार, लेट्स एंजॉय। तेरी माँ बहुत ज्यादा अच्छी औरत थी जवानी में, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। दूसरे
बात करिए, दूर से नो सेल्फी, दूर से बात करिए, बैठिए 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 बैठिए, कम टीमी बॉय, कम 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 कम। पहले तेरे गुर्दे में बड़ी मिर्ची लग रही है, देख लूंगा बाद में। बड़े बदमाश लौंडे हैं ये हमारे कॉलोनी के। कहो भरभूति जी, हमारे साथ भी कोनो सेल्फी नहीं होगा। भाभी जी आप तो सेल्फलेस हैं, क्यों नहीं मिलेगी सेल्फी आपको? ऑफ कोर्स सेल्फी मिलेगी। आई भाभी जी प्लीज कम। हेलो टिमी जी, एक्सक्यूज मी, एक मैं अपनी यादों के लिए भी लेना चाहता हूँ। चलिए भाई अब एक तो सेल्फी तो हमारी बनती है। जी नहीं भाई, चलिए अब शांत हो जाइए आप लोग। टिमी आप सबको इंटरव्यू देंगे, प्लीज जॉइन हिम। हेलो मिस्टर टिमी कांडिया। हाय, हेलो। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको एक कानपुर शहर कैसा लगा? कानपुर, इट्स अ लवली सिटी। और यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ के लोग तो बहुत प्यारे हैं, स्पेशली यहाँ की भाभियाँ बहुत प्यारी हैं। कानपुर में ही आपका पहला मैच है? जी हाँ, मैं पहली बार मैच खेलने आया हूँ, लेकिन कानपुर से मेरा बचपन से रिश्ता रहा है। बचपन से मतलब? ये जो मेरे भाई हैं, मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ही इज फ्रॉम कानपुर एंड आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, और इन्हीं की वजह से मेरा बचपन से आना जाना रहा है। आपको क्रिकेट खेलना किसने सिखाया? आई मीन आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मेरे भैया हैं, मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। क्या बात है, ठीक है यार, हम तो सोच रहे थे लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन विभूति सेठ तो सच बोल रहे थे यार। इन्होंने मुझे पहली बार बैट पकड़ाया था, मेरे साथ घंटों घंटों तक प्रैक्टिस किया करते थे। मेरी बैटिंग देखने के बाद कहते थे, टिमिया एक दिन तू बहुत बड़ा बल्लेबाज बनेगा, और देखिए उनका कहना सच हो गया। विभूति तू भी करोड़ों में खेलेगा? सुन भाई, जो ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौका है, हाथ मार ले। हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीबॉडी। अरे तू कहाँ जा रहा है भैया? ये ट्वेल्थ मैन यहाँ क्या कर रहा है, इसे अभी यहाँ से भगाइए। ये क्या कह रहा है बेटा? आई एम नॉट योर सन। भैया देखिए, इसे अभी यहाँ से भगाइए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे जाइए ना यहाँ से, काहे बैठे बूढ़े। जब सामने वाले को प्रॉब्लम है, फिर भी तुम गोबर की तरह जमे हुए बैठे हो। यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं कोई फालतू आदमी नहीं हूँ। किसने कहा, किस बदतमीज ने कहा कि आप फालतू आदमी है? अगर किसी बदतमीज ने कहा कि आप फालतू आदमी है, तो आपको यहाँ एक मिनट भी बैठना नहीं चाहिए। If you have little self-respect. आज समझिए ना, टीमिया अपसेट हो रहा है यार, कमाल करते हैं आप। ठीक है यार, बैठ ले भाई, बैठ ले बैठ ले, बैठ ना बाबा बैठ। भैया still I can see his face. चाच प्लीज उधर देखिए, फेस द बॉल। क्या यार तुम लोग, चलो ड्रिंक तो दे रहे मेरी। शराबी ऑलवेज शराबी। भैया क्यों पाल के रखा है ऐसे इंसान को आपने? बेटा इनके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, बुजुर्ग आदमी है यार, he has nowhere to go। अरे कोई बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं है ये, सब पता है मुझे, किस तरह अंधेरे में इसने मेरी मम्मी को दबोचा था। oh my God. और मेरा बाप बनने की कोशिश की थी। टिमिया, इस तरह की बातें खुलेआम नहीं करनी चाहिए तुझे, you are a star, right? अच्छा ये बता कि जो ये मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से, टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा? We'll be right back.
भैया आपने बहुत कॉन्फिडेंशियल सवाल पूछ लिया है. सवाल नेशन का है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता. I'm sorry. अरे यार मैंने कौन से 50,000 लोगों के सामने पूछा यार. अपने लोग बैठे हुए यार. तिवारी जी अपने ही तो हैं यार. इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड. या हमारे काफी क्लोज के संबंध है. क्यों तुम दोनों पति पत्नी हो क्या? चाच तिवारी जी हमारे बड़े अच्छे पड़ोसी हैं. पर टिमिया अगर तू शेयर कर लेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं तेरा गुरु, तेरे को मुसीबत से निकाल दूंगा. समझा ना भैया? आपकी आज्ञा है तो कल मेरा यही इरादा है कि मैं कल फील्डिंग. ये क्या, ये मैं उधर कुछ बदलाव होता सा देख रहा हूं. ऑस्ट्रेलिया जो सबसे पहले अपने तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी कराता है वो आज स्पिनर से गेंदबाजी कराएगा. अनीता जी हम क्या बोल रहे हैं? हमको लगता है आज ना ये टिमी हमरे अनुमान से जीरो पर आउट हो जाने वाले. हाँ कहा है ना कि कानपुर का ये जो पिच है ना ये बहुत ही सपाट और हल्का घास वाला है और यहाँ पर ना बॉल ना टप्पा लेकर थोड़ा उछाल लेता है और ऐसा शॉट खेलना ना टिम्मी को सूट ना ही करता है. वो ऐसा शॉट खेल ना ही पाते हैं. कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एडलेड विकेट है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही है सपाट. और जहाँ तक टिम्मी जी का रिकॉर्ड बोलता है वो 3 बार वहाँ बैटिंग की है और 3 बार वो 0 पर आउट हुए हैं. तो आज तो हमको लग रहा है कि वो 0 पर. गॉड. और अब मैच शुरू होने जा रहा है. एडम जैम्पा इधर बॉलिंग एंड पे खड़े बॉल लेके तैयार. ये टिमी कांडिया भी तैयार. और इसके साथ बदाम खान जी आप देखिए देखिए क्या होने वाला है. ये एडम जैम्पा ने बॉल डाली और ये ओहो टिमी कांडिया स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना पाए. और ये क्या बॉल पहले टप्पा खाते ही जबरदस्त टर्न लेकर ऑफ स्टंप उड़ाते हुए लग गई चली गई. इसी के साथ टिमी कांडिया का विकेट गया. भारत की पहली विकेट गिर गई. बोले थे ना आपको. हमको क्या लगता है लड्डू के भैया की हो ना. बदनाम खान जी अब ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू होने जा रही है. ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं. डेविड वार्नर और आरोन फिंच. अब हम देख सकते हैं इंडिया के फास्ट बॉलर ओहो टिमी कांडिया पहली ओवर डालने जा रहे हैं. और इसके साथ टिमी कांडिया बॉल डालने के लिए तैयार. ये टिमी कांडिया दौड़ते हुए इन्होंने बॉल डाला. डेविड वार्नर ने घुमा दिया छक्का. ये डेविड वार्नर ने छक्का मार दिया पहली बॉल पे. ऑस्ट्रेलियाई पारी की जबरदस्त शुरुआत. इंडियन टीम बहुत ही परेशान. पहली 2 गेंदों पे पड़ गया छक्का. 12 रन हो गए जी. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बदनाम खान? देखें जी सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है. हमने बहुत घबराहट हो रही है भगवती जी. क्या करें लड्डू के भैया आ गए ना जल्दी से. छठवें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि अश्विन के बॉल को डेविड वार्नर ने दिया हवा में उछाल. टिमी कांडिया दौड़ रहे हैं बाउंड्री की तरफ बवाल. और ये क्या टिमी कांडिया ने छोड़ दिया है कैच और बॉल को बाउंड्री के पार भी करवा दिया 6 रनों के लिए. साला छोड़ा भी और छक्का भी कराया. बहुत गंदा प्रदर्शन कर रहा है ये. टिमी ने भारत की जीत पर उठा दिया है पहला सवाल. टिमी और टिमी ये तूने क्या किया? खुद को छटी का दूध याद दिला दिया.
माय नेम इज छिद्दू की जुबानी, भारत हार की कगार पर टिम्मी की कारस्तानी। ऑस्ट्रेलिया को अब जीतने के लिए चाहिए 121 गेंद पर मात्र 6 रन। और मैं अपने साथी कमेंटेटर से पूछना चाहूंगा, बदनाम खान जी, भारत के इस प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बदनाम खान जी, देखिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि घबराने से कोई फायदा ही नहीं है। 121 गेंद पर मात्र 6 रन चाहिए, टिमी के हाथ में बॉल है, टिमी अब बॉल। अरे कितना रो रहे थे हम रिलेटिव के भैया। हेलो भाभी जी, कहा चाहिए भूखे हो का? हम तो जन्म जन्म के भूखे हैं भाभी जी। कहा धीरे बोले, हाँ एक तो आप और आपके भाई जो है मिलकर इतना बड़ा कांड किए हैं और हमको बोल रहे हैं कि धीरे बोलिए। भाभी जी मैं बहुत शर्मिंदा, I'm really really embarrassed। शर्मिंदा तो होना चाहिए आपको और आपके छोटे भाई को, जीतता हुआ मैच हराए हैं वो टीमिया। एक तो पहले बैटिंग लेकर बहुत ही मामूली सा लूल सा स्कोर खड़ा किए रहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने, और फिर उसके बाद अजम कर लॉलीपॉप बाल दिए रहे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, और उस पर भी कम ना आई था तो टीमिया जो है 5 ठोके छोड़ दिए। विजय मस्त है, शी हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट क्रिकेट। कितनी नॉलेज है आपको क्रिकेट के बारे में? अंकल किससे झगड़ा कर रही थी, क्या हुआ? अबे खजड़ो यार, इस टिमी ने ना हमारे खानदान के मुंह पे कालिक पोत दी, नाक कटवा दिया इसने। इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। अबे सुन, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? अबे मैंने कहा था उससे कि जाके मैदान में ऐसा रायता फैला दियो। आप सामने क्यों आया उसके? अबे मैं सामने आ गया तो क्या हो गया ये बता। क्योंकि आपको देखे वो अपसेट हो गया था। ये सही कह रहा हूँ मैं? और वही जो बिकॉज ही वाज अपसेट तो उसकी दिखा परफॉर्मेंस में। देख मैंने उसकी माँ के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर दिया जो मुझे देख के वो अपसेट हो गया था। आपने उसकी माँ को दबोचा था? मैंने लेमन को नहीं दबोचा था, लेमन ने मुझे दबोचा था यार। लेमन? मतलब प्यार से तेरी मौसी को ना हम लोग लेमन कहते थे, हेलन की बहन लेमन। आप ना बहुत बड़े वाले हैं चाच, बहुत बड़े वाले हैं। आज तक मुझे आपका कैरेक्टर समझ ही नहीं आया। और मुझे आप लोगों के पूरे खानदान का कैरेक्टर मेरी समझ में नहीं आता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों के खानदान में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता भी है? कोई किसी की मम्मी को दबोच रहा है, कोई किसी की बीवी को दबोच रहा है, मतलब कल्चर में भी कोई चीज है कि नहीं? ये लो, लाइट को भी अभी जाना था। अबे सुन, हाँ? यार पड़ोस में तो आ रही है लाइट, मुझे लग रहा हमारा फ्यूज उड़ गया है। आप जाके जरा चेक कीजिए ना। अरे बहू तुझे पता नहीं है मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता भाई, कम नजर आता है थोड़ा। हाथ मुंह बराबर दिखता है आपको? हाथ मुंह का सुर्ख बराबर करते हैं आप? तो उसका आइडिया है यार। बेबू तुम जाके चेक करो, जाओ। सही जा रहा है डेविड। चाचा जी, हाँ मोहल्ले में तो सबकी लाइट आ रही है, ये हमारे घर की कैसे चली गई भाई? ये फ्यूज तो बराबर है। अच्छा एक काम करिए, बिजली विभाग को फोन लगाइए ना। ये कैसे लगाएंगे, दिखता नहीं रात को ना कुछ। लगाना भाई। लगाया, उठा नहीं रहा है वो। हेलो। हेलो, विद्युत विभाग कानपुर बोर्ड। ये क्या हरकत है, आपके बाप का राज है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ यार, मैंने बात करने दीजिए ना मुझे। कर कर। आपने हमारी बिजली को काट दी, फिर भी देते क्या बिजली आप हमें? एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आप हमारे हाथ में इतना लंबा चौड़ा बिल थमाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। चुप रहिए ना, प्लीज फॉर गॉड्स सेक, आई एम टॉकिंग। बात कर। देखिए फोन पे बात करना ठीक नहीं रहेगा, आप ऑफिस आ जाइए। आप पहले आप हमारी बिजली बहाल कीजिए, और मैं रात को क्यों आऊँ आपके ऑफिस, क्यों आऊँ? देखिए आप जल्दी से ऑफिस नहीं आएंगे ना तो हम आपके घर का मीटर काट देंगे। क्या? हाँ आप जितनी जल्दी हो सके ऑफिस आ जाइए। वो तेंदुलकर तो पहले ओवर में ही आउट हो गए, और उसके बाद तो विकेट का बस लाइन लग गया, लाइन एक के बाद एक आउट। बंद करो अपनी ये रनिंग कमेंट्री, ये सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। तुम्हारी रनिंग कमेंट्री से हमारे खोए हुए पैसे तो वापस नहीं आ जाएंगे ना।
अरे तो बर्बाद हो गए। ना ही रोइए ना, आई हेट टायर्स। टायर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी। हाय भाभी जी। क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हैं? अरे भाभी जी क्या बताए, हमारे नासों को गौर से देखिए, इनमें आपके पति देव भभूति नारायण मिश्रा और आपके देवर वो टिमी कांडिया को जरा देखिए कि वो कैसे हमारी हालत पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि कैसे हम बर्बाद हुए। देखिए देखिए। तिवारी जी साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपकी इस हालत के पीछे विभू और टिमी जिम्मेदार हैं? आप कह सकती हैं भाभी जी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो बहुत ही घटिया सोच रहे हैं तिवारी जी। आप अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। किसी और ने आपकी कनपटी में पिस्टल नहीं रखी थी कि आप इतने लाखों रुपए ऐसे बेटिंग में लगा दीजिए। भाभी जी अब क्या बताएं, हमें भभूति जी और वो प्रेम चौधरी ने ऐसे ऐसे सपने दिखाए, ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए कि बस हम। तो आपका खुद का टॉप फ्लोर खाली है क्या? आप अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकते? अब भाभी जी अब क्या, मती मारी गई थी ना, वो बस हम वो लालच में आ गए भाभी जी। तो फिर आप दूसरों को क्यों दोष दे रहे हैं? आपकी भी तो गलती है ना। हाँ, हम तो वही समझा रहे हैं कि सारा गलती आपका ही है। ये सब बातें होती रहेंगी, फिलहाल मुझे अंगूरी जी बताइए ना, मुझे नहाना है और मेरे घर का बिजली और पानी दोनों ही काट दिए गए। प्लीज बाथरूम बताइए किधर जाए। आप जाइए ना ऊपर, हमरे वाले बाथरूम में चले जाइए। ऊपर वाले बाथरूम में जाइए भाभी जी। थैंक यू। कुछ चाहिए तो हमको आवाज दीजिएगा। जी अंगूरी जी। भाभी जी तो नहा धोके फ्रेश हो जाएंगी, हम कैसे फ्रेश होंगे, हमारे दिमाग में तो हमारा खोया हुआ पैसा नाच रहा है। अब बोल रहे ना, ना ही रोइए, जाने दीजिए, बेमानी का पैसा था, काला धन मिट्टी डालिए उसको, अच्छा ही हुआ। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। ऐसा बाल खेलने के लिए ना, तो या तो वो हुक शॉट या फिर वो पुल शॉट खेलना चाहिए, वही बेस्ट रहता है। तुम इतना डिटेल में कहे जा रही हो? कहे कि आप ना ही जा रहे हैं। हम कौन सा डिटेल में जाएं? जैसे हम डिटेल में जा रहे हैं, वैसे आपको भी डिटेल में जाना चाहिए। कहा है कि बेचारे अनीता जी और भरभूति जी का तलाक हो रहा है, और अगर ऐसा हो गया ना, तो हम अपने आप को और आपको कभी भी माफ ना ही करेंगे। लेकिन हमारी वजह से भरभूति जी और भाभी जी का तलाक का होगा? इसका जिम्मेदार तो भाई है ना, वो भाई जिसका मखत ने हमारे पैसे डूबवाए। का पैसा 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 पैसा, हाँ 15 लाख डूबे। खेल खेल होता है लड्डू के भैया, और अब हर दिन क्रिकेटर का दिन ना ही होता है। कभी कभी बैट्समैन डबल सेंचुरी मारता है, और कभी कभी गोल्डन डक पर आउट हो जाता है। आपको पता है एक तो मशहूर खिलाड़ी मालकम मार्शल एक तो बुक लिखे रहे, मार्शल आर्ट्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मालकम मार्शल, उसमें कहा लिखे हु क्रिकेट में एक दिन गेंदबाज का होता है और एक दिन बल्लेबाज का होता है। और ये जो टिम्मी ने 5 कैच टपकाए, इसके बारे में मार्शल निजी का क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ बेबी, मैं खुश भी हूँ और इमोशनल भी हूँ। आज मेरा भाई मेरा शिष्य टिमिया, उसने खुश किया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को मारा। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। ये
सच्ची सच्ची टिमी जी जो वहाँ सेंचुरी मारे है ना एडिलेड में, वो अपना जीरो वाला रिकॉर्ड तोड़ दिए। यस भाभी जी, भाई आपके भाई टिमी कांडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया के छक्के छोड़ा दिए। वाह वाह, क्या बात है कच्चा बनियान, आज तो तू बड़ा चहक रहा है। हाँ, ये तो है। उका है ना प्रेम जी, क्यों जब टिमी सेंचुरी मारे रहे तो लड्डू की भैया अपना जो लस्ट था ना वो पूरा उतार दिए। अभी लस्ट तो हम कर अभी जी आप लॉस लॉस कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही पकड़े हैं भैया। तो बिजली विभाग और ये जल बोर्ड वाले अपनी सुविधाएं बहाल करते हैं, क्योंकि अब हम बहुत बेहाल हो रहे हैं। कौन चाचा जी, कभी तो खुद से इस घर के लिए इनिशिएटिव लीजिए। आप जाइए ऑफिस में बात करके आइए, कुछ तो कीजिए इस घर के लिए। अरे हाँ वही, एक मिनट। और विभो, एक तुम हो और एक तुम्हारा भाई टिमी है, जिसे इस खानदान की, जिसे इस देश की फिक्र है। I'm so proud of you. भाई अंत भला तो सब भला। चलो मैं आप सबको एक अबे ये गलत बात है। वो क्या है कि मेरे मीटर में थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, बस उसे रिपेयर कर रहा था वो। अबे ओ डॉक्टर, वो तेरा इलेक्ट्रिशियन है ना, मेरा भी रिपेयर करता है। मीटर मीटर कमबख्त, उसके बावजूद हमारा लाइट बिल और ज्यादा आ रहा है। हमका तो लगता है ना वो इलेक्ट्रिशियन में ही कोनो दिक्कत है, उसी ने कुछ किया हुआ है तभी बिजली का बिल ज्यादा आया। हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है ना कि सारी गड़बड़ बोर्ड से ही है। ये बोर्ड वालों ने घपला किया हमारे बिल्स के साथ। आइडिया, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाले बिजली में घपला काहे करेंगे? अब मुझे लगता है कि हमें बोर्ड वालों से बात करनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ भाभी जी, बोर्ड में सीधा जाके दरवाजे खिड़की तोड़ देना चाहिए, तब जाके अकल ठिकाने आ गई इनकी। हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं टिल्लू भैया, वो तो पब्लिक पीर पार्टी है, उसको ऐसे अंडरस्ट नहीं करते हैं। आओ, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा, सब जेल में जाएंगे। हाँ भाई, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पहली बार हमारी पत्नी ने बड़ी पते की बात की है। थैंक यू वेरी मच। ये तो कुछ ज्यादा ही पते की बात कर दी। थैंक यू वेरी मच कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे ख्याल से कि पहले साम, फिर दाम, फिर दंड, फिर भेद, समझे? सबसे पहले चाहो तो उसे जो है समझाओ, नहीं माने तो कुछ दान में दे दो, फिर भी नहीं माने तो उसे कूटो, और फिर भी नहीं माने तो उसके खिलाफ साजिश रचो। मुझे लगता है सबसे पहले समझाने पे ध्यान देना चाहिए, अगर समझाने से नहीं मानते हैं फिर हम बाकी चीजें करेंगे। करेक्ट करेक्ट। क्यों तिवारी जी? जी भाभी जी, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। लेकिन बोर्ड वालों से बात करने जाएगा कौन? कोई समझदार, बातचीत करने में जो माहिर हो, टैलेंट हो, ऐसा लगे कि अपनी बात रखकर बात मनवा ले, वो जाना चाहिए, ताकि है ना टेम आने पर उन लोगों को हड़का सके। वैसे लोंडो, मेरे ख्याल से पूरी कॉलोनी में सिर्फ दो ही व्यक्ति समझदार हैं, एक तो अनीता भाभी, दूसरे तिवारी भैया। मेरे ख्याल से इन दोनों को जाना चाहिए बिजली बोर्ड में। हाँ डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये दोनों। अरे भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आप लोग सोच लीजिए, कहीं आप लोगों का विश्वास गलत ना साबित हो जाए। अरे भाभी जी ऐसा काहे कह रही हैं, हम हैं ना आपके साथ, आपको डिगने नहीं देंगे। तिवारी जी, मैं अपने बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। आई वाज जस्ट जोकिंग तिवारी जी, इट्स ओके। अब ऐसे ना अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बिजली का क्या कनेक्शन है। ये हम क्या देख रहे हैं, तुमने हर जगह के पंखे चालू करके रखे हुए हैं। हाँ, वो हम झाड़ू पोछा किए थे ना, इसके लिए सब जगह का पंखा और कूलर ऑन कर दिए। अरे जब झाड़ू पोछा ऑलरेडी किए हुए तो फिर पंखा चलाने की क्या जरूरत थी? उससे जल्दी सूख जाता है ना। अब श्योर इंटेलिजेंट। अरे तो ऐसा कौन सा पानी भरा हुआ था घर में कि इतने सारे पंखे चालू कर दिए, थोड़ा सा ही तो पानी था। एक्सक्यूज मी, डांट करे भाभी जी का, हाउ डेयर यू। आप होते कौन है मेरे निजी मामले में दखल अंदाजी करने वाले, हैं? तू कौन मैं खाम का? इफ यू से अनदर वर्ड ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तिवारी जी। जा भाई यहां से। आजिया, परवती जी, आपको झूठ नहीं आया। भाभी जी,
बात गहरी जो उठाई है दिल पे। चलिए चलिए आपको घर छोड़ देते हैं, आप भी क्या करते हैं। चलिए चलिए। शैला तुम इतने प्यार से इंजेक्शन लगाती हो, पता ही नहीं चलता नीडल कब अंदर गई कब बाहर निकली। प्रोफेसर पिचकारी, लेटे रहिए लेटे, उठिए मत, आप तो वैसे ही उठने वाले हैं। मैंने कहा आपकी हालत देख के मुझे रियली बहुत दुख हो रहा है, आई एम रियली फीलिंग सॉरी। नहीं नहीं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा अधूरा ख्वाब जरूर पूरा करोगे। प्रोफेसर पिचकारी, आपका कौन सा ऐसा ख्वाब था जो अधूरा रह गया? बेटा ये तो पूरा हो गया है। I always knew you were a poet. बेटा बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं मेरे गांव में बिजली रोशनी ले आऊं। बहुत मेहनत मशक्कत करी लेकिन मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाया मैं। तुम वही हो जो मेरे ख्वाब को पूरा कर सकते हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम ही मेरा ख्वाब पूरा कर सकते हो। आप ये अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, इससे क्या मेरा यकीन हिल रहा है? नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे यकीन को हिला नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे यकीन को और बढ़ावा दे रहा हूँ। वाह, थैंक्स। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारा रोड मैप वगैरह सब सब कुछ तैयार कर रखा है। एक मिनट, ये देखो बेटा, ये टायर है, इसे देखते जाओ और सारा काम तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो पूरा करते जाओगे। देखो ठीक से देखो। तुम ही हो जो मेरा काम पूरा कर सकते हो, मैं यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीरियसली एक बार इस काम के पीछे लग जाओ। विभूति नारायण मिश्रा, ये बहुत अच्छा मौका है मॉडर्न कॉलोनी की लोगों की नजर में और खास तौर से भाभी जी की नजरों में हीरो बनने का। सर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका ये ख्वाब पूरा करके रहूंगा। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लेकिन ये ख्वाब थोड़ा अलग ढंग से पूरा होगा। मैं बिजली तो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, इस रोड मैप के हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन वो बिजली आपके गांव को रोशन करने के लिए नहीं होगी, बल्कि उस बिजली से मैं मॉडर्न कॉलोनी को रोशन करूंगा। टाइम पास करना। आई थिंक विभु इज राइट, हैंडराइटिंग भी किसी साइंटिस्ट की लग रही है। वो सब तो ठीक बानीता जी, लेकिन भरभूति जी बोल रहे हैं कि लाखों रुपए लगेगा, इतना पैसा लगाएगा कौन? भाभी जी पहले कह चुका हूँ मैं कि ये सारा पैसा हमारे मॉडर्न कॉलोनी के लोग मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन भैया इतना बड़ा अमाउंट, ये लाखों का अमाउंट आएगा कहाँ से? अगर हम लोग सब कुछ बेच डालेंगे ना, फिर भी इतनी जमा पूंजी नहीं इकट्ठा होगी। फालतू की बकवास मत कर डॉक्टर, अरे कैश में फीस लेता है यार, और कह रहा जमा पूंजी नहीं है, कुछ तो जमा करके रखा होगा तुमने। अरे चाचा जी, कैसे कैसे मरीजों को मैंने जो है भभूत पकड़ा के चार पैसे इकट्ठा किए, तो इन फालतू कामों के लिए मैं खर्चा करूंगा? ठीक है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, बिजली विभाग वाले जो पैसे मांगते हैं दुगने तिगने दीजिए और उनकी गुलामी कीजिए बस। Anyway, let's disperse. एक मिनट भैया, मेरे पास और टिलुआ के पास में ना 30,000 रुपया की जमा पूंजी रखी है, आप चाहो तो वो ले सकते हो, लेकिन वाकई बाद बिजली का बिल जमा करावे की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, कोई गुंजाइश ना है। दिल तोड़ जाएगा हमारा। विभूति भैया, जब मोहल्ले के ऐसे नाकारा लड़के 30,000 का सहयोग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर भी एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, आपके इस मिशन के लिए 1.5 लाख मैं भी दे दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, 1.5 लाख रुपया मैं भी दे दूंगा, लेकिन बिजली आनी चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपया मैं भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल बहू तू दे दे। तो क्या है कि बैंकॉक में नारी सुधार केंद्र में मेरे 1 लाख रुपया अटका हुआ है। देखिए, 1-2 लाख से काम नहीं बनेगा, हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, वी नीड मच बिगर अमाउंट। Thank you.
कुछ तो मदद कीजिए, कॉलोनी का सवाल है, बिजली आएगा, रोशनी होगा। वो कल नहीं रखवाए थे आप हमसे, वो चावल और दाल के डब्बों में बहुत सारे नोट। आप अंगूरी जी सही तो कह रही है तिवारी जी, वैसे तो आप बड़ा दिलदार बनते हैं, अब कहाँ गई आपकी दिलदारी। ठीक है भाभी जी, अगर आप कहती हैं तो ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन इतना फैलने की जरूरत नहीं है। चूस मी डॉगर, एक्सप्लेन मी, डिटेल से बताओ कि विभूति भैया के जो काम चल रहा है मशीन को कहां तक पहुंचो, बनोगे ना बनो। अबे ओए अनपढ़, सड़क नहीं बन रही है, मशीन बन रही है। मशीन माना माना चाचा, मशीन बन रही है, लेकिन कहां तक बनी ये तो बताओ। क्यों सेठ जी, बिल्कुल हमारे भी तो लाखों लगे हुए हैं। अबे वो कोई बाबा नहीं है जो मंत्र फूकेगा और यंत्र तैयार कर देगा। कल रात से लगा हुआ है यार, सोया नहीं पूरी रात। मैं उसके लिए अभी चाय बनाने जा रहा हूँ, और पता है वो क्या कह रहा था मुझसे? कह रहा था चाचा जी प्राण जाए पर पलक ना झपकाए। प्राण ही जाए, हाय दिया, वो बेचारे भरभूति जी कितना मेहनत करे, सच्ची सच्ची भगवान जी गॉड ब्लास्ट हिम। भाभी जी वो ब्लेस हुए, ऐसे ही पकड़े हैं। अब सुबह का टाइम है, एक बढ़िया वाली चाय, कड़क इलायची चलेगी, अदरक भी चलेगी। आइए आइए। बस मेरी जवानियां कहती है हमसे। चाय ही तो पिला। अरे तुम चुप रहो। आइए भाई, नमस्ते नमस्ते। आप सब लोग एक साथ यहाँ पे? क्या बताएं भाभी जी, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। भाभी जी जब भी अपने घर में घुसते हैं ना तो घर भट्टी से लगता है। तो आपके घर फैन होगा ना, वो ऑन कर लीजिए। फैन? अरे सारी जमा पूंजी तो अपने विभूति भैया को दे दी, बिजली कहाँ से खर्च करें हम। सॉरी भाभी जी, टीका अपनी 2 करोड़ की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है। दरअसल बात जी चिलुआ, तो को कांता की कसम मेरी है ना, टीका बताने दे, बताने दे, बताए। दरअसल बात जी भाभी जी कि 30,000 जमा करने के लिए हमने अपने बाबा आदम के जमाने का वो जो पंखा था वो भी बेच दिया। अब आप ही बताइए घर में घुसे हैं तो कैसे घुसे। भाभी जी अब ये गर्मी और नहीं सही जाती। विभूतिया तमीज से नाम लो, he's a scientist। ठीक है भाभी जी, हम तो विभूति भैया की आरती उतारने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मुफ्त की बिजली तो जल्दी लाए। अब देखे ना भाभी जी, भगीरथ जी गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे, उनका कितना नाम हुआ था। ऐसे ही भभूति जी मॉडर्न कॉलोनी में बिजली लेकर आएंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और मॉडर्न कॉलोनी में जब भी बिजली की बात चलेगी तो विभूतिया मेरा मतलब है प्रोफेसर विभूति नारायण मिश्रा का नाम जरूर लिया जाएगा। बस विभूति भैया इस कॉलोनी को जगमगा दें, हम तो उनके नाम का माला जपेंगे। हाँ मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो बिजली बना रहा है, कोई कॉफी नहीं बना रहा है कि 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। अरे वही तो हम कह रहे हैं ना भाभी जी, कब बनेगी कॉफी, कब बनाएंगे बिजली। देखिए बिजली बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है तिवारी जी। और वो लगातार पढ़ाई कर रहा है इसके ऊपर। अरे चाचा जी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन भाई इसका रिजल्ट भी तो कुछ आना चाहिए। अबे इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट आ जाएगा मास्टर, तू बता। तेरे स्टूडेंट भी तो पूरे साल घिसाई करते रहते हैं, तब जाके तू 1 साल बाद उन्हें रिजल्ट देता है ना। बोल, नहीं तू बोल ना, बोल, चुप क्यों है, बोल। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक संस्कारी शिक्षक से ऐसे बात करते हैं, ये लंदन से सिक्के आए हैं। छी दिया, ये तो 4-5 ही हैं, 16 तो ना ही हैं। भाभी जी कब खत्म होगा आपका ये बॉडम पना? अका बोले भाभी जी ये इट्स नॉट 16 पैनल्स, इट्स सोलर पैनल्स। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, इससे कब बिजली आएगा? भाभी जी इससे बिजली बनेगी और हमारी पूरी मॉडर्न कॉलोनी इससे जगमगाएगी। हाय दिया, वो कैसे? भाभी जी इन पैनल्स में आप सबकी खून पसीने की कमाई लगी हुई है और मेरी दिन रात की मेहनत लगी हुई है, और इस पैनल से जो बिजली निकलेगी वो हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगी, हर घर जगमगाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी मनी। सच्ची भरभूति जी आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी जी उम्मीद है कि इस रोशनी में आपसे रोमांस करने का मौका मिलेगा। आप क्या बोले भाभी जी, अब तो पूरी मॉडर्न कॉलोनी जगमगाएगी। वो तो है
सच्ची। अब ऐसे भरभूति जी, क्या आप हमको बता सकते हैं कि इससे जो बिजली आएगा वो नॉर्मल बिजली होगा कि कछु अलग बिजली होगा? अभी जी, इस बिजली में एक खास बात ये होगी कि जब भी आप बल्ब जलाने के लिए बटन दबाएंगी ना, तो बल्ब से आवाज आएगी, भाभी जी आई लव यू, और बल्ब जल जाएगा। का बल्ब का हमको छेड़ेगा? नहीं, आपसे प्यार करेगा भाभी जी। लेकिन हमसे काय प्यार करेगा वो? क्योंकि उस बल्ब में एक आशिक की बनाई हुई बिजली दौड़ रही होगी भाभी जी। क्या बोले भाभी जी? मैंने इस बिजली में कुछ खास सिस्टम बनाए हैं जो नॉर्मल बिजली से बिल्कुल अलग है। इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बिजलीज। क्या बात है, हमको सच में बहुत उत्सुकता है कि जो बिजली बनेगा कैसा होगा। भाभी जी, मैं जब भी बिजली का तसव्वुर करता हूँ तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। क्या बोले अभी जी? किसी शायर ने एक कमाल का शेर कहा है कि बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। हम कहीं सुने हैं? गाना है ये। क्या बोले जी? भाभी जी, I'll just get back to work। हाँ हाँ, बनाइए बनाइए बिजली बनाइए। एकदम लगता है मैंने कहीं आपको देखा है। Excuse me, I'm your wife, Anita। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम मेरी वाइफ हो? Really? Yeah। Mommy, that's more than a proof। That's a more than a proof। Yes, yes, of course। क्या है कि हम लोग साइंटिस्ट है ना, तो साइंटिस्ट यूजुअली इनको एक प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। What? तुमको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्या? नहीं, सब साइंटिस्ट की प्रॉब्लम होती है। न्यूटन ने तो कितनी बार अपनी वाइफ से राखी बंधवाई है। सारा बनों ने। न्यूटन ने कभी भी अपनी वाइफ से राखी नहीं बंधवाई है। ऑलराइट, ये बताओ कि आई क्या करने हो? बरसों से तपती जमीन पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। बारिश की बूंदों से याद आया, भाभी जी कैसी है? आई मीन, देखिए आप गलत जगह आ गई हैं, गलत साइंटिस्ट के पास आ गई हैं। आप जाइए किसी मौसम विभाग के साइंटिस्ट के पास, he'll help you। मुझे तुम्हारे पास ही आना था, और अगर तुम्हें अपनी इस बिजली से फुर्सत मिल गई हो तो दो चार करंट मेरे भी खा लो। ये करंट लगाने का टाइम नहीं, करंट लगाने का टाइम है बेबी। और दूसरी बात यह कि तुम मेरी तपस्या भंग मत करो यार, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। मैं तुम्हारी तपस्या भंग करके रहूंगी। वो कैसे? हाय। ओके, यू वांट डांस? यार ये तो जल ही नहीं रहा है, जलेगा भी? अरे रूसा, थोड़ा सब्र रख लो मेरी जान, सब्र रख लो। अभी तो मीठा खाया है, बिजली को मीठे का भोग लगाया है, थोड़ा पछने तो दो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कोई मशीन मिठाई खाती है क्या? ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। माल साहब, कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है आपको, और सिर्फ आपके पैसे नहीं लगे। जस्ट बी पेशेंट, ओके? जस्ट बी पेशेंट, जलेगा ये। यार पेशेंस तो सब रख लेंगे, लेकिन ये बता चलेगा भी या नहीं? चार्ज, प्लीज स्टे पॉजिटिव फॉर गॉड्स सेक्स। क्या करूं यार, पॉजिटिव सोच के बोलता हूं लेकिन नेगेटिव निकल जाता है। मुझे लगता है कि जब तक इंतजार हो रहा है आप सब लोग जाइए, खाना वाना खा के आ जाइए। नहीं नहीं भाभी जी, जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक हम खाना ना कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन हमको तो बहुत ही नींद आ रहा है। हाँ गुरु जी, नींद तो मुझे भी आ रही है।
ठीक है तो तुम लेडीज लोग जाओ और आराम करो। हाँ चलो भाई ठीक है। आप कहाँ चल दिए? यार तू कह रहा है लेडीज लोग जाके आराम करो, तो लेडीज को ही सिर्फ आराम की जरूरत है, बुजुर्गों को भी आराम की जरूरत है यार। इससे पहले कि निकल लो निकल लो निकल लो। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारी लाइट कहाँ है? मेरी लाइट में थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। टाइम लगेगा मतलब? अभी कल तुमने नारियल फोड़वाए, आरती उतरवाई, इतना सब कुछ करवाया, बोले टाइम लगेगा? चीजों में वक्त लगता है अनु, टेक्निकल चीजें होती हैं, ग्लिचेस आते हैं और हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है यार। यार तूने खुद कॉन्फिडेंस से कहा था कि ऐसे चुटकियों में लाइट ले आऊंगा और जाके कह दो बिजली बोर्ड वालों को लाइन काट दे, खुद इसी मुंह से बोल रहा था तू, अब कह रहा है यार लाइट कहां है यार, तू चुप रह यार, बेकार की बात मत कर। प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड, मुझे लगा था कि जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन इट इज टेकिंग टाइम एंड इट्स अ टफ जॉब। ओके थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें। एक मिनट, तब तक क्या हम गर्मी में सड़ेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे आज के आज लाइट चालू करके दो। वैसे तो बड़ा फेंक रहे थे कि आई एम अ साइंटिस्ट फलाना ढिकाना, पर याद रखो जिन लोगों ने तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में पैसे लगाए हैं ना, अगर तुमने उनको बिजली नहीं दी ना तो उनका गुस्सा तुम अकेले ही झेलना। मुझे क्या बोल रही है तू? मैं इसका कोई असिस्टेंट असिस्टेंट नहीं हूँ, बावर्ची बन के रह गया हूँ, पनीर मुर्गी खिला रहा हूँ उसको बना बना के, मुझसे कुछ मत कहियो भाई। देखिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा, बहुत दिन दूर नहीं कि जब मेरी बनाई हुई बिजली से ये मॉडर्न कॉलोनी नहीं बल्कि पूरा शहर, पूरा कानपुर शहर जगमगाएगा। और इसमें कितना टाइम लगेगा? 100 वर्ष। कमान चार जुमड़ी 100 20 पॉन्टी यार, 100 वर्ष। एडिसन ने सिर्फ एक बल्ब बनाया था, मैं तो उस बल्ब का सोर्स बना रहा हूँ, मैं लाइट बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूँ, बिजली बना रहा हूँ, इट विल टेक टाइम। यार एडिसन को मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तूने टाइम पे बिजली बना कर नहीं दी ना तो ये कॉलोनी वाले तुझे इतना पीटेंगे कि तुझे मेडिसिन की जरूरत पड़ जाएगी। चाय लेके आइए। अरे बस करो पगली पंखा जलना, इंसान हो कोई बिजली थोड़ी ना, थक जाओगी। अकाश अकाश लड्डू के भैया, कि हम इंसान ना ही होते, हम बिजली होते तो ये बिजली का पंखा बंद करना, हम आपको हवा देते और कूलर भी चालू कर देते। अगर तुम बिजली होती ना फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट होते। आइडिया का साइड इफेक्ट्स? तुम हमें करंट दे दे के मार देती पगली, हम तुम्हें छूने की कोशिश करते तुम तुरंत करंट मारती, ना हम तुम्हारे साथ रोमांस कर पाते और ना ही तुम्हारे हाथ से खाना खा पाते। हम कछु ना कछु तो तोड़ तो निकाल ही लेते। हाँ देखो अब ज्यादा दिमाग ना चलाओ, समझी? देखो पंखा झलते झलते कैसे पसीने पसीने हो गई, चलो अब आराम कर लो, हम तनिक टिका के आते हैं। हाय दिया, का टिका कर आते हैं? अरे जाम टिका के आते हैं पगली, इतनी गर्मी पड़ रही है, जरा गला सूख गया, थोड़ा तरावट सी आ जाएगी। हाँ तो वही तो, जाम तो वैसे भी बहुत ही गर्म होता है, गर्मी में ना ही पीना चाहिए। कौन कमबख्त कहता है कि जाम गर्म होते हैं? अगर जाम गर्म होते तो तमाम शराबी शिमला में पड़े होते। हाँ ये तो ठीक बा, आ तो एक कमत बल्कि जाम ठंडा करता है, बहुत ही ठंडा करता है। क्या बात कर रहे हैं, अब तो फिर सारे शराबी जो हैं वो दुबई के रेगिस्तान में काहे नहीं चले जाते, वहां तो बहुत गर्मी पड़ता है। बहुत अच्छे, हमारा पंच हमें ही पे मारने की कोशिश कर रही हो है? चलो तनिक आते हैं। हाँ जल्दी आइएगा, वो कहा है कि हमको बहुत डर लगता है अंधेरे में। अरे यार डॉक्टर, ये इतने सारे इंजेक्शन क्यों घुसेड़ रहे हो? अकेले अकेले पीठ में आपने 5 इंजेक्शन घुसेड़ दाए रे। किस मिट्टी का बना है तू? 5-5 तुझे एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दे चुका हूँ, लेकिन तेरी बॉडी पे एनेस्थेसिया का कोई असर ही नहीं हो रहा है। लाइट नहीं आ रही, वरना मैं तुझे इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश करता।
डॉक्टर साहब ये लौंडे अंधाधुंध पीते हैं, इनके रगों में 24/7 नशा बहता है। आप इसे 10 देंगे ना एनेस्थीसिया तब भी कुछ नहीं होने वाला है इसका। हम तो कहते हैं 20-25 एनेस्थीसिया ठोक दीजिए, उसके बाद बेहोश हो जाएगा, फिर जो कुछ भी इसका काट पीट के फेंक दीजिएगा, इसे पता नहीं चलेगा। भैया जी क्या बकवास कर रहे हो आप, क्या बकवास कर रहे हो आप, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो आप, यू किलिंग मी। अबे तो जिंदा रह के क्या उखाड़ लिया तूने? जूस में ये कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? लौंडा अपना मोहल्ले की शान है, अगर ये बेहोश हो जाएगा तो बदतमीजी कौन करेगा? भैया इधर फालतू की बातें छोड़ो आप, पहले ये बताओ कि लाइट कब लेके आ रहे हो आप? हाँ ये सब कुछ है ना आपकी वजह से हुआ है। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है, पता नहीं कब लाइट आएगी। टीका टीका तू चुप रहे, तेरी तबीयत ठीक ना है। ओके, 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 मेरा भाई, डॉक्टर साहब कैसे इलाज होगा इसका? अरे ये कब बेहोश होगा और कब कांटे लगेंगे इसके? मेरा मतलब है टांके टांके लगेंगे इसके। इसको एनेस्थीसिया देने की क्या जरूरत है, ये अपने आप एनेस्थीसिया है। उसमें ये क्या बकवास कर रहे हो भैया? सही बोल रहा हूँ मैं, तू एक नंबर का गधा है गधा। भैया एक तो मैं वैसे ही तकलीफ में हूँ भैया, और ऊपर से आप यहाँ पर खड़े खड़े मेरे सामने मेरे को ताने मार रहे हो, फालतू की बकवास कर रहे हो। अबे ठीक तो कह रहे हैं, और तू जो वो कमिश्नर साहब की साली में रूसा के पीछे पड़ा रहता है वो? What do you mean? Mind your language तिवारी, ये रूसा कहाँ से बीच में आ गई है? अरे रूसा तो मेरी गर्लफ्रेंड है रही है। बावले हो गया क्या तू? रूसा सिर्फ टिल्लू की जान है, इस गलत फहमी मत रही है तू, गर्लफ्रेंड वो टिल्लू की है। टिल्लुआ की गर्लफ्रेंड? अरे वो सारा तीसरी फेल दो कोड़ी के आदमी, क्या बकवास कर रहे हो? तेरी गर्लफ्रेंड कब से आ गई? वो तो मेरी जान है रही है सारे। बट ठीक कह रहा है लौंडा, अगले महीने सगाई है रूसा की इसकी, लौंडा लेके निकल लिया तेरी रूसा को। लो, मैं तो जिंदगी भर यही सोचता रहा कि जाहिलों के घर में कम से कम एक पढ़ी लिखी बच्ची तो आई। एक मिनट, जाहिलों का फैमिली का वो भरभूती जी तो वो चोपड़ा यूनिवर्सिटी से वो टॉप किए है ना? वो छपरा यूनिवर्सिटी होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। बहुत अच्छे विभू, बहुत देर हो गई। अंगूरी जी मैं ना विभू को चेक करके आती हूँ किधर है, बहुत टेंशन हो रही है, अभी तक घर नहीं आया। ठीक बा विभू, विभू जी, वो हमको अपना शादी का बताइए ना आप। चाचा जी दिया ही तो सो गए, हमको भी बहुत नींद आ रहा है, हम भी सोने जाते हैं। भभूति जी आप घर जाके सो मत जाइएगा, काम कीजिएगा काम, और भाभी जी के साथ रोमांस वगैरह करने मत लग जाइएगा, आपकी वजह से पूरी मॉडर्न कॉलोनी जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है, समझे? कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ ना मैं, ऐसे कामों में वक्त लगता है,
ये कोई सूजी का हलवा नहीं है, सूजी भूनी शक्करारी हलवा तैयार हो गया। ना तेली में सरसों मत जमाइए आप, समझे? यार कौन सरसों जमा रहा है, जमाना तो आपको है, पर मैं हम सब मिलकर आपको जमा देंगे, समझे? हमारा पैसा रखा है, पैसा। ये क्या ताना दे रहे हैं, पैसा 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 पैसा, कितने करोड़ इन्वेस्ट कर दिए आपने? सुनिए, जाके चुपचाप सो जाइएगा, भाभी जी को परेशान मत करिएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं, सही तो बोल रहा हूँ, जाइए जाइए। शराब तो आपने पी हुई है भाभी जी, एक बार को तो आपने हमारे अरमानों को जगा ही दिया था। हमें लगा था कि ये सब आप हमसे कह रही हैं, लेकिन आप तो ये सब बबूती जी को कह रही थी। आ तो ये बात हम लगे कि भैया आज ना ही बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, वो भबूती जी से का। भाभी जी अनफॉर्चुनेटली आप ये बात भबूती जी से ही कह रही हैं। आप मजाक कर रहे ना हमसे? आप बहुत मजाक किया क्या? तिवारी जी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेडरूम में आके मेरे साथ ऐसी बातें करें? Are you mad? बात बताऊं, अगर तिवारी जी ने ना ऐसी हरकत की ना, तो मैं ना उनकी मुझे उखाड़ दूंगी। तिवारी जी की मुझे वो आप चढ़ाए, हमको पता है आप बहुत ज्यादा टिका लिए आज। तो मालूम पड़ रहा है किसने टिकाई हुई है। कोई नहीं, अब आप लोग चिंता मत करो, आपकी कॉलोनी फिर से लाइट से जगमगाएगी। और मुझे ये वो बात कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे कानपुर में भी ऐसे होनहार शख्स हैं। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा। गिव हिम अ बिग राउंड क्लैप जनाब। लेकिन कोशिश तो नाकाम रही ना, हमारे तो 25 लाख डूब गए। हमारे भी तो डूब गए भैया। हमारे भी डूबे हैं पैसे। हमारे भी ऐसे कैसे डूब जाएंगे भाई? ऐसा है, ये जो भी ये जो पैनल है, सोलार पैनल, जनरेटर और जो जितने भी सारे इक्विपमेंट है, ये सारे के सारे हमारा लाइट का डिपार्टमेंट खरीद लेगा। What? प्लस मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से सिफारिश करूंगा कि मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा जी के नाम का चैप्टर सिलेबस में डालें। Really? That'll be great. Thank you so much. ताकि बच्चों को इस बात का एहसास हो, उनको इस कहावत का मतलब पता चले कि अल्प ज्ञान विनाशकारी, ताकि कोई भी डोंकी सन एडिसन बनने की कोशिश ना करे। और बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें,